इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में देखा, फिर दिल्ली सल्तनत से पहले दिल्ली के इलाके में जो हिंदू डायनेस्टीज थी, जैसे कि तोमर वंश था, फिर आपकी चहमनास थे जिनको आप चौहान्स ऑफ अजमेर भी बोलते हैं, इनके बारे में देखा। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मुगल एम्पायर के बारे में। तो पूरा मुगल एम्पायर को डिटेल में देखेंगे दोस्तों, जो इस किताब का आप कह सकते हो कि लेआउट है। चैप्टर 4 है ये, क्लास 7th की हिस्ट्री किताब का। इस किताब में जो लिखा वो तो मैं आपको समझाऊंगा ही, इससे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। अब देखिए दोस्तों, बड़े बड़े टेरिटरीज में राज हो रहा था, खासकर दिल्ली सल्तनत के टाइम पे आप देखेंगे कि बहुत सारे रूलर्स ने एरियाज को कंसोलिडेट करने की कोशिश की और अपने सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस से, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो अर्ली दिल्ली सल्तनत के रूलर्स थे, ये जो चौहान रूलर्स थे, इन्होंने ये जिस इलाके में राज करते थे उसके आसपास इन्होंने काफी सारे गैरिसन टाउन्स बना रखे थे और वहां पे इनका कंट्रोल होता था। बहुत दूर दराज के इलाकों में उतना कंट्रोल इनका नहीं हो पाता था, तो बलबन से जो बाकी दिल्ली सल्तनत के रूलर्स हैं, इन्होंने दूर दराज के इलाकों पे अपना कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश की। ये चीज मुगल, ये टेंडेंसी आपको मुगल राज के दौरान भी मिलेगी। और होता ये था दोस्तों कि जिन बड़े बड़े इलाकों में राज करा करते थे, वहां पे अलग अलग तरीके के कल्चर थे, लोगों की लैंग्वेज में, रहने में, खान पान में हल्की फुल्की डायवर्सिटी थी। इसलिए किसी एक रूलर के लिए इतने बड़े इलाके को अपने सेंट्रल कंट्रोल के अंदर रखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, खासकर मिडिल एजेस में, जब टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी, कम्युनिकेशन के नाम पे सिर्फ पत्राचार और घोड़े से लोग जा जाके चीजें पे डिलीवर किया करते थे। तो उस समय पे इतने बड़े इलाके में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। लेकिन आप देखोगे दोस्तों कि क्वाइट इन कंट्रास्ट टू देयर प्रेडेसेसर्स, द मुगल्स क्रिएटेड एन एम्पायर एंड अकॉम्प्लिश्ड व्हाट हैड हिथरटो सीम्ड पॉसिबल फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। यहां पे हम देख लेंगे जब मुगलिया सल्तनत का राज आएगा तो मुगल उस काम को बहुत लंबे समय के लिए कर पाएंगे जिस काम को दिल्ली सुल्तान के जो रूलर्स थे वो छोटे समय के लिए कर रहे थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिल्ली सल्तनत में आप देखेंगे कि दिल्ली सुल्तान के रूलर्स ने बहुत सारे अलग अलग डायनेस्टीज पे कब्जा किया, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने यादवास को हराया, फिर यादवास पे हरा के जब वो वापस जाएंगे तो यादव का जो दूसरा रूलर आएगा वो फिर से एक रिवॉल्ट कर देगा, तो एक लंबे समय के लिए रूल नहीं रहा। लेकिन मुगल सल्तनत में देखोगे कि जिन जगहों को ये मुगल रूलर्स ऑक्यूपाई करेंगे वहां पे इनका जो राज होगा वो थोड़ा ज्यादा कंसिस्टेंट होगा, थोड़ा ज्यादा सेंट्रलाइज्ड होगा, थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव होगा। हालांकि रेबेलियन और सेंट्रल अथॉरिटी को ना मानना, ऐसे फैक्टर्स मुगल एम्पायर में भी रहेंगे, बट कंपेयर टू दिल्ली सल्तनत बहुत कम होंगे। ओके, यहां देखेंगे, फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली अंटिल इन द 7th सेंचुरी दे कंट्रोल नियरली ऑल ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। ये मुगल सल्तनत के बारे में लिख रखा है, यानी लेटर 16th सेंचुरी से, यानी कि लगभग 1550 के टाइम से, आप समझ लीजिए उस टाइम से जब अकबर गद्दी पे बैठेगा, तब से इन्होंने अपने किंगडम को एक्सपैंड करना शुरू किया और 17th सेंचुरी तक ये सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े इलाके पे रूल करेंगे। इन्होंने उस तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम्स और गवर्नेंस के आइडिया लगाए जो कि बहुत एफिशिएंट हुआ करते थे, और मुगल सल्तनत के खत्म होने के बाद भी जो रूलर्स आएंगे वो भी उन आइडियाज को मानेंगे, क्योंकि उन आइडियाज थे ही इतने एफिशिएंट। आज की डेट में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो इंडिपेंडेंस डे पे जो लोगों को एड्रेस करते हैं, जो लोगों के सामने भाषण देते हैं, वो रेड फोर्ट इन दिल्ली के रैमपर्ट्स में देखते हैं। अब ये रेड फोर्ट किसने बनवाया था दोस्तों? ये रेड फोर्ट बनवाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने इस रेड फोर्ट की बनने की जो प्रक्रिया थी वो शुरुआत की थी 1638 में, और लमसम 1648 में रेड फोर्ट बन के तैयार हो गया था दोस्तों। ठीक है, ये देखिए आपका रेड फोर्ट का एक नजारा है। दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो कई बार आप इस रेड फोर्ट के बगल से निकलेंगे। दिल्ली वालों के लिए तो नॉर्मल बात है, जो बाहर से लोग आते हैं वो घूमने फिरने जाते हैं यहाँ पे। हालांकि मैं दिल्ली में 4 साल रहा हूं पर कभी यहाँ गया नहीं हूं। आगे देखते हैं, हु आर द मुगल्स? तो देखिए, मुगल्स ग्रेट लीनेजेस के डिसेंडेंट थे। मदर साइड से जो इनकी डिसेंडेंट थी, इनकी जो माता थी वो गेंगिस खान की डिसेंडेंट थी। गेंगिस खान एक मंगोल रूलर था, 1227 में इसकी मृत्यु हो गई है। गेंगिस खान भाई बहुत बड़ा रूलर है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है एसोसिएटेड है गेंगिस खान के साथ। खैर वो एक अलग चीज है तो उसको हम बात नहीं करेंगे। तो गेंगिस खान चाइना और सेंट्रल एशिया के इलाके में राज करता था। फादर साइड से जो मुगल्स थे ये तिमूर के सक्सेसर्स थे। तिमूर की मृत्यु हुई 1404 में, वो ईरान, इराक और मॉडर्न डे टर्की का रूलर था। अब जो मुगलिया सल्तनत के रूलर थे, मुगल्स थे, ये नहीं चाहते थे कि इनको मंगोल का डिसेंडेंट माना जाए। मंगोल का डिसेंडेंट क्यों नहीं माना चाहते थे ये लोग अपने आप को? चूंकि देखिए, जो मंगोल का रूलर था गेंगिस खान,
इस गेंगिस खान के साथ एक प्रॉब्लम थी, इसने बहुत मास स्केल पे एग्जीक्यूशन कराए थे, हजारों लाखों लोगों को मार दिया, ठीक है। तो इसके नाम के साथ बहुत सारे एग्जीक्यूशन एसोसिएटेड थे, बहुत सारी क्रुएलिटी एसोसिएटेड थी, इसलिए मुगल्स को ज्यादा पसंद नहीं था कि उनको मंगोल का सक्सेसर बोला जाए, मंगोल्स के वंश का बोला जाए। लेकिन वो अपने आप को तिमुर मतलब तिमुर डायनेस्टी का कहलवाने में उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, फादर साइड से वो तिमुर के, आप कह सकते हैं ना कि तिमुर के लीनियज के थे, तो तिमुर का अपने आप को कहने में उनको आप कह सकते हैं कि ऑनर महसूस होता था। वो क्यों होता था वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहां देखिए एक मिनियाचर पेंटिंग है दोस्तों, लगभग 1700-1712 की, यहां पे तुमर और उसके डिसेंडेंट्स की बात हो रही है। यहां पे फोटो में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो ये जो बीच में तिमुर बैठे हुए हैं और यहां पे जो लोग बैठे हुए हैं ना दोस्तों, इसमें आपके अकबर भी हैं, शाहजहां भी हैं, आप कह लीजिए जहांगीर भी हैं, औरंगजेब भी हैं, बाबर भी हैं। कहा जाता है कि ये जो बीच में बैठे हैं ये तिमुर है, तिमुर के राइट साइड पे बैठे हैं मीरन शाह, ठीक है। मीरन शाह किसके बेटे हैं, देखिए तिमुर इज इन द सेंटर एंड ऑन इज राइट इज ए सन मीरन शाह, तो इसके राइट में ये मीरन शाह है। द फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर्स ग्रेट ग्रैंडफादर, तो ये जो मीरन शाह था वो बाबर का ग्रेट ग्रैंडफादर था। और इस मीरन शाह के राइट साइड पे बैठा है अबू सैद, ये अबू सैद भाई बाबर के आप कह सकते हैं ग्रैंडफादर थे। फिर तिमुर के लेफ्ट साइड पे कौन बैठा है, तो तिमुर के लेफ्ट साइड पे बैठा है सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, जो बाबर के ग्रेट ग्रैंडफादर थे, तो ये बाबर के ग्रेट ग्रैंडफादर थे। उसके आगे उमर शेख जो कि बाबर के फादर थे, ये रहे। फिर द मुगल एम्परर्स बाबर अकबर एंड शाहजहां आर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इंडिविजुअल्स ऑन राइट, तो ये बाबर हैं, ये अकबर हैं, ये शाहजहां हैं, और हुमायूं जहांगीर औरंगजेब, तो ये हुमायूं हैं, ये जहांगीर हैं, ये औरंगजेब है। कुल मिला के आप देखना चाह देख पाओगे फ्रेंड्स कि इस फोटो में आप देखिए जो लोगों को साथ में बैठा रखा है, ये पॉसिबल नहीं है कि ये सारे लोग एक समय पे प्रेजेंट हो, एक समय पे जिंदा हो। लेकिन इस मिनियाचर पेंटिंग के थ्रू ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि जो मुगलिया सल्तनत के रूलर्स थे वो अपने आप को तिमूर से कनेक्ट करते थे, वो अपने आप को ये कहलवाना चाहते थे कि हम तिमूर के डिसेंडेंट्स हैं, समझ गए दोस्तों। इसीलिए आप यहां पे देखोगे दोस्तों कि जितने भी इंपॉर्टेंट मुगल रूलर्स हैं वो सब आपको इस फोटो में दिखेंगे। हालांकि ये सारे मुगल रूलर्स अलग अलग समय में थे, तो ये हो ही नहीं सकता कि ऐसा कभी एक साथ हुआ हो, बट ये फोटो इस बात को दर्शाती है कि ये सारे मुगल एम्परर्स अपने आप को तिमुर का डिसेंडेंट्स बताते थे। ओके, अच्छा, ये जो तिमुरिड डायनेस्टी के जो फाउंडर थे तिमुर, आप कह सकते हो कि इन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया था 1398 में। ओके, इसकी कहानी मैंने पहले अपने चैनल पर पढ़ाई है, जाके देखिए, नहीं है तो फिर बाद में भी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल अभी इस चैप्टर के हिसाब से चलते हैं। ओके, मुगल के मिलिट्री कैंपेन्स की बात करेंगे। भैया बाबर पहला मुगल एम्परर था, कब गद्दी पे बैठा वो, 1526 से 1530 समय पे उसका राज था, अगर आप हिंदुस्तान की बात करें। हालांकि 1494 में ही फरगना की थ्रोन पे बैठा था। ये फरगना कहां है, तो ये फरगना पड़ता है फ्रेंड्स प्रेजेंट डे ईस्टर्न उज्बेकिस्तान में, यार उसको देखने की जरूरत नहीं है। तो 1494 में जब 12 साल का था बाबर, तब वो फरगना की गद्दी पे बैठा। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, उस समय में सेंट्रल एशिया में बहुत सारी ट्राइब्स के बीच में लड़ाई होती रहती, तो मंगोल ग्रुप्स आया, ठीक है, मंगोल ग्रुप्स ने फरगना में अटैक कर दिया, उस चक्कर में बाबर को वहां से छोड़ना पड़ गया। फिर बाबर इधर उधर घूमता रहा और फाइनली उसने काबुल जो कि अफगानिस्तान में था उस पर 1504 में कब्जा कर लिया। इंडिया में वो 1526 में आएगा, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा देगा पानीपत में, दिल्ली आगरा पे कर लेगा कैप्चर। टेबल वन में कुछ मेजर कैंपेन्स दिखाए गए हैं मुगल के, इन कैंपेन्स को एक बार देख लेते हैं हल्का फुल्का अपनी नॉलेज के पर्सपेक्टिव से। ये रहा फ्रेंड्स आपका टेबल वन, मुगल एम्परर के मेजर कैंपेन्स और इवेंट्स है यहाँ पे। सबसे पहले आता है आपका बाबर 1526 से 1530, 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया और इब्राहिम लोदी के कुछ अफगान सपोर्टर्स को पानीपत में। 1527 में हुआ बैटल ऑफ खानवा जिसमें राणा सांगा और कुछ और राजपूत रूलर्स को हराया। 1528 में राजपूत को चंदेरी पे हराया, ठीक है, और अपनी मृत्यु से पहले आगरा और दिल्ली पे पूरी तरीके से इसने कब्जा कर लिया। तो भाई बाबर के बाद कौन आएंगे, तो बाबर के बाद आएंगे हुमायूं, इनका राज आएगा पहले 1530 से 1540 और 1555 से 1556,
1540 से 1555 के बीच सूरी डायनेस्टी रही जो कि शेरशाह सूरी ने स्टैब्लिश की थी। शेरशाह सूरी ने 1540 में हरा दिया हुमायूं को, उसके चलते हुमायूं को ईरान भागना पड़ गया। ईरान में सफाविद डायनेस्टी ने उसको बना दी। आगे देखते हैं। तो भाई हुमायूं को जो अपनी इनहेरिटेंस मिली थी, उस इनहेरिटेंस में हुमायूं ने क्या कहा, देखिए मुगल इनहेरिटेंस का एक नियम था, मुगल इनहेरिटेंस में यह नहीं होता था कि जो सबसे एल्डर ब्रदर होगा वो राजा बन जाएगा। मुगल इनहेरिटेंस में जो कुछ भी उनके बाप से बच्चों को मिलेगा वो बच्चों में बराबर बराबर बटेगा। तो इस चीज को हुमायूं ने फॉलो किया और हुमायूं ने अपने भाई मिर्जा कामरान को भी जगह दी राज करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये मिर्जा कामरान हुमायूं के साथ मिलकर काम नहीं कर रहा था, इनफैक्ट वो हुमायूं से और ताकत को अपनी तरफ खींचना चाहता था। इसलिए हुमायूं जिनके अगेंस्ट लड़ रहा था अफगानिस्तान, अफगान के अगेंस्ट लड़ रहा था, ये मिर्जा कामरान इस अफगानों से मिल गया, ठीक है। फिर हुआ ये कि 1539 में बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज में शेर खान, जिसको आप शेर शाह सूरी भी कहते हो, उसने हुमायूं को हरा दिया 1540 में और उसको ईरान भागना पड़ गया। जब हुमायूं ईरान पहुंचा तो वहां के शाह सफाविद शाह ने उसको पनाह दी और वहीं पे उसकी शादी हुई, वहां पे पैदा हुआ अकबर। वापस जब आएगा हुमायूं तो 1555 में वो फिर से अपने राज को स्थापित करेगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप देखेंगे कि 1556 में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। आगे आता भैया सबसे बड़ा शहनशाह मुगल डायनेस्टी का जो था अकबर, 13 साल का था ये जब ये एम्परर बना। 1556 से 1605 में इसने राज किया, बहुत लंबे समय के लिए, लगभग 49 ईयर्स के लिए इसका राज रहा है दोस्तों, बहुत लंबे समय के लिए इसका राज रहा है। इसके राज को लगभग तीन भागों में यहाँ पे बांटा गया है, एक 1556 से 1570। इसमें क्या हुआ, शुरू शुरू में जब अकबर बच्चा था तो वो किसके अंडर में था, उसका बैरम खान, आप कह सकते हैं उसका पॉलिटिकल गुरु था, बैरम खान उसके बिहाफ पे रूल कर रहा था, उसका रीजेंट था, और भी बहुत सारे लोग थे उसके डोमेस्टिक स्टाफ में। धीरे धीरे देखेंगे कि अकबर जैसे जैसे बड़ा होगा उसको खुद चीजें समझ में आनी शुरू होंगी, वो एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उभरेगा और अपने आप को ये जो उनके रीजेंट है बैरम खान और भी जो लोकल कोर्ट पॉलिटिक्स है उससे ऊपर लेके आएगा। फिर वो जो सूरी डायनेस्टी के बचे हुए रूलर्स हैं उनके खिलाफ जंग करेगा, अफगान के खिलाफ जंग करेगा, आसपास के जो किंगडम्स है मालवा और गोंडवाना उनपे विजय करेगा। फिर उसके हाफ ब्रदर जिसका नाम था मिर्जा हकीम, मिर्जा हकीम ने अकबर के खिलाफ आप कह सकते बगावत कर दी, उस रिवॉल्ट को भी वो सप्रेस करेगा। 1568 में वो चित्तौर के राज को कब्जाएगा और 1569 में वो रणथंबोर को कब्जाएगा। ये चित्तौर और रणथंबोर के ऊपर कब्जा करना आसान नहीं था दोस्तों, अकबर का दिमाग और हालत खराब हो गई थी इन पे कब्जा करने में। फिर आगे देखेंगे 1570 से 1585, इसमें बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स होंगे गुजरात में, उसके बाद बिहार, बंगाल और उड़ीसा यानी ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में भी बहुत सारे आप कह सकते हैं कैंपेन्स होंगे, और इन कैंपेन्स में अकबर के एफर्ट्स को कमजोर कौन करेगा, मिर्जा हकीम, ठीक है। फिर 1585 से 1605 की बात करते हैं दोस्तों, इस समय पे अकबर के एम्पायर का और एक्सपेंशन होगा, तो नॉर्थ वेस्ट में कब्जा किया जाएगा, कांदहार को सीज किया जाएगा सफाविद से जो कि ईरान की रूलिंग डायनेस्टी थी, कश्मीर पे कब्जा होगा, काबुल पे कब्जा होगा, ठीक है, काबुल पे कब्जा होगा मिर्जा हकीम की मृत्यु के बाद। उसके बाद देखेंगे डेक्कन में भी बहुत सारे कैंपेन्स किए जाएंगे, बेरार, खंदेश और अहमदनगर को एनेक्स किया जाएगा। तो लंबा चौड़ा राज था अकबर का दोस्तों, यहां तो एक बस आपको छोटी सी एक कहानी दे दी गई, एक लेआउट दे दिया गया है। अकबर के राज के समय में खास बात देखोगे फ्रेंड्स कि अकबर ने कंसोलिडेट किया चीजों को। जब अकबर गद्दी पे बैठा ना उस समय पे बहुत ज्यादा इलाका मुगल अंपायर के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर नहीं था दोस्तों, अकबर ने उसको एक्सपेंड किया और अपने कह सकते हैं कि एफिशिएंट सबऑर्डिनेट्स के दम पे उसने एक बहुत ही एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को डिवाइस किया। काफी सारे उस स्ट्रक्चर के जो आप कह सकते हैं बुनियाद थी वो शेर शाह सूरी के राज से उठाई गई थी। लेकिन अकबर जब बूढ़ा होगा ना दोस्तों तो उसका बेटा उसको बहुत परेशान करेगा, यानी प्रिंस सलीम उसको बहुत परेशान करेगा। प्रिंस सलीम आगे चल के बनेगा जहांगीर। अब यहां पे जहांगीर का उसको परेशान करना बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाएगा दोस्तों। देखिए अकबर जब 13 साल का था तब राजगद्दी पर बैठ गया था, जहांगीर की जो पैदा हुआ, जहांगीर 1569 में पैदा हुआ। अब 1605 आते आते अकबर कितने साल का हो जाएगा, तो 1556 में जब गद्दी पे बैठा था अकबर तो 13 साल का था, तो 1605 आते आते 13 प्लस 49 वो हो जाएगा आपका लगभग 62 साल का।
तो अच्छा खासा बूढ़ा हो जाएगा। हालांकि 62 साल कोई ज्यादा उम्र होती नहीं, पर उस समय बहुत जंग जंग लड़ा करते थे ये लोग, और बीमारी बीमारियों के इलाज भी ज्यादा नहीं थे, तो बहुत ज्यादा समय के लिए लोग जिंदा नहीं रहते थे। जहांगीर को देखोगे कि वो 1569 में पैदा हुआ, तो 1605 आते आते वो भी 36 साल का हो गया, तो उसको लगा भाई मैं गद्दी पे कब बैठूंगा, मेरे पिताजी तो 13 साल पे गद्दी बैठ गए, मैं 36 साल का हो गया हूँ, अब तक प्रिंस ही बना हुआ मैं गद्दी पे नहीं बैठा हूं। तो एंड में आप कह सकते हैं कि जहांगीर एकदम रेस्टलेस हो गया, उसको भाई सुल्तान बनना था, इनफैक्ट उसको शहनशाह बनना था, सुल्तान नहीं। इसलिए उसने भी रिवॉल्ट कर दिया अपने बाप के अगेंस्ट, मुझे राजगद्दी बैठना है। फिर उसके बाद कौन आए, जहांगीर आए। जहांगीर का राज रहा 1605 से 1627 तक, ठीक है। अकबर ने जो मिलिट्री कैंपेन्स किए थे जगहों को हथियाने के लिए, वो आपके जहांगीर के समय पे भी चलते रहे। तो मेवाड़ का जो सिसोदिया रूलर था अमर सिंह, उसने मुगलिया सर्विस को ज्वाइन कर लिया, वो मुगल सर्विस में आ गया। उसके बाद कुछ और कैंपेन्स हुए, वो कैंपेन्स पार्शली सक्सेसफुल हुए। ये कैंपेन्स हुए थे सिखों के अगेंस्ट, अहोम्स के अगेंस्ट और अहमदनगर के अगेंस्ट। फिर आप देखोगे दोस्तों कि जब जहांगीर का अंतिम समय आएगा, तो जो उसका बेटा होगा जिसका नाम था प्रिंस खुर्रम, वो प्रिंस खुर्रम आगे चल के शाहजहां बनेगा, ठीक है। और शाहजहां जब वो आगे बनेगा, तो प्रिंस खुर्रम भी भाई जहांगीर के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर देगा। और आप देखोगे यहां पे एक नूर जहां है, ये नूर जहां एक्चुअली में जहांगीर की वाइफ थी। देखिए नूर जहां को जहांगीर बहुत ज्यादा मानता था, इनका नाम था मेहरुनिसा, ठीक है दोस्तों। रूल में नूर जहां काफी मदद करती थी जहांगीर की। कई कई बार तो ऐसा होता था कि आप कह लीजिए कि कॉइंस तक पे नाम लिखवाया था जहांगीर ने किसका, नूर जहां का। जब एंड आ रहा था जहांगीर का, एंड में जब उसकी तबीयत वगैरह खराब रहने लगी थी, तो बहुत कोशिश की थी जहांगीर ने, सॉरी बहुत कोशिश की थी नूर जहां ने कि वो जहांगीर से ज्यादा अपने इन्फ्लुएंस को लेके आ पाए, पर उस चीज में वो सक्सेसफुल नहीं हुई। और जब आप देखोगे दोस्तों कि जहांगीर मरेगा, तो नूर जहां राज को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसके एफर्ट को शाहजहां फेल कर देगा, क्योंकि शाहजहां को नूर जहां ऑलरेडी एक कॉम्पिटिटर लगने लगी थी, ठीक है। क्योंकि जहांगीर जब जिंदा था उस समय पे भी एडमिनिस्ट्रेशन में नूर जहां काफी मदद करती थी जहांगीर की। फिर भाई जहांगीर खत्म हो जाएगा, कौन आएगा, शाहजहां आएंगे। शाहजहां का राज रहेगा 1627 से 1658, 31 साल रहेगा इनका राज, अच्छा खासा राज रहेगा इस समय पे। और इस शाहजहां के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि 1638 में रेडफोर्ड का बनावट शुरू हुई, 1648 में रेडफोर्ड बनके तैयार हो गया। आप कह सकते हो कि 1643 में ताजमहल पूरा बनके तैयार हुआ, तो बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हुई है शाहजहां के टाइम पे। फिर शाहजहां के टाइम में भी डेक्कन में भाई मुगल कैंपेन्स को चालू रखा गया। इस समय पे जो अफगान नोबल था मुगल्स का, खान जहान लोदी, उसने भाई रेबेल कर दिया, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन मुगलिया सल्तनत ने उसको हरा के फिर से उसके इलाके पे कब्जा कर लिया। बहुत जगहों पे कैंपेन्स लॉन्च किए गए, अहमदनगर पे कैंपेन्स लॉन्च किया गया, बुंदेलास को हराया गया, ओरछा नाम की जगह को सीज किया गया, नॉर्थ वेस्ट में बल्ख को सीज किया गया उज़्बेक से। बल्ख को एक्चुअली में उज़्बेक से सीज करने की कोशिश की गई, पर इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ शाहजहां, ठीक है। और सफाविद ने मुगलिया डायनेस्टी को हरा के कांदहार को वापस ले लिया। कांदहार को पहले जीता था, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कांदहार को अकबर में जीता, लेकिन इस कांदहार को सफाविद ने वापस ले लिया। किसके ड्यूरेशन के दौरान, शाहजहां के दौरान। 1632 में अहमदनगर को फाइनली एनेक्स किया गया। तो इस तरीके की चीजें चल रही थी दोस्तों। 1657 1658 के टाइम पे दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि जो शाहजहां था, इसके जो तीन बेटे थे, उन तीन बेटों में बैटल ऑफ सक्सेशन हो गया। सबसे बड़ा बेटा था आपका दारा शिकोह, ठीक है। दारा शिकोह को रूल करना चाहिए था, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते थे। कहा जाता था कि एक पॉपुलर चॉइस भी थी कि दारा शिकोह रूलर बने दोस्तों, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि औरंगजेब ने जंग छेड़ दी और औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा कर वो गद्दी पर बैठा दोस्तों। ओके, तो ये चीज थी आपकी। और उसके खास बात ये है दोस्तों कि अगर दारा शिकोह उस समय पे रूलर बन जाता, ऐसा लोग बोलते हैं, तो हिस्ट्री का जो कोर्स है ना, लोग बताते हैं कि भाई हिस्ट्री का कोर्स ही अलग होता, लेकिन ये औरंगजेब ने होने नहीं दिया। औरंगजेब एक रिलीजियस बायगॉड था, मुस्लिम्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था, और उसकी आप पॉलिसीज देखेंगे, रिलीजियस पॉलिसीज हिंदूज की तरफ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी थी। तो ये प्रॉब्लम थी आपकी किसके साथ, औरंगजेब के साथ। दारा शिकोह को उसने मार दिया। आप देखोगे कि उसने शाहजहां को बंदी बना दिया।
शाहजहां 1658 से लेके 1666 तक बंदी रहा, 1666 में मृत्यु हो गई शाहजहां की। आप देखो दोस्तों, इन रूलर्स में इमोशन नाम की कोई भी चीज नहीं हुआ कर सकती थी। अपने बाप को मार देना, अपने बाप को बंदी बना लेना, राजगद्दी के लिए कुछ भी कर सकते थे। उसी बाप के दम पे वो वहां पहुंचे थे और उसको मारने में एक मिनट भी ये लोग नहीं सोचते थे। उसको पद पहले, उससे पहले जब मैंने हिरण्यकश्यप डायनेस्टी की बात की थी और एंशियंट इंडिया में बात की थी, वहां पर मैंने आपको बताया था कि पैट्रीसाइड तो एक फैशन था। बाप को मार दो, बाप को कैद कर लो, भाई सबसे बड़ा क्या है, गद्दी। तो पॉलिटिशियन जो आज की डेट में करते हैं, पहले भी ये होता था। गद्दी के लिए, राजपाट के लिए हमेशा से ही बाकी सब चीजों को छोड़ दिया गया है। फिर आगे देखते हैं, औरंगजेब की बात करते हैं। इसका टाइम पीरियड है 1658 से 1707, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में औरंगजेब के दौरान 1663 में अहोम्स को हराया गया, पर अहोम्स ने फिर से भाई 1680 में रेबेलियन कर दिया। नॉर्थ वेस्ट में भी बहुत सारे कैंपेन्स किए गए, सिख के खिलाफ कैंपेन्स किया गया, यूसुफ जाई के खिलाफ कैंपेन्स किए गए। कुछ कैंपेन्स में मुगल्स को सक्सेस मिली, कुछ कैंपेन्स में मुगल्स को सक्सेस नहीं मिली दोस्तों। फिर जो राजपूत थे, राजपूत के साथ हमेशा से मुगलों की दोस्ती रही थी, लेकिन औरंगजेब के टाइम पे औरंगजेब राजपूत के इंटरनल मैटर्स में करने लगा इंटरफियर। उस चक्कर में भैया राजपूत भी हो गए आपके औरंगजेब से नाराज। फिर मराठा चीफटेन द ग्रेट शिवाजी की बात हो, तो द ग्रेट शिवाजी को औरंगजेब ने मिलने के लिए बुलाया। शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा गए, वहां पे शिवाजी की करी बेइज्जती औरंगजेब ने। इसके चक्कर में शिवाजी नाराज हो गए और औरंगजेब ने बंदी बना लिया था शिवाजी को। इतने आप कह सकते हैं कि कनिंग थे शिवाजी, इतने बोल्ड थे, इतने डेयरिंग थे कि भाई आगरा में औरंगजेब की नाक के नीचे से निकल गए, औरंगजेब को पता ही नहीं चला। और बाद में शिवाजी ने अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग डिक्लेयर किया, और भैया उसके बाद तो जो औरंगजेब को परेशान किया है ना शिवाजी ने, ये सबको पता है। अनफॉर्चुनेटली शिवाजी की डेथ हो गई 1680 में, औरंगजेब 1707 में मारा जाके। ओके, यहां पे जो औरंगजेब का बेटा था ना प्रिंस अकबर, उसने भाई औरंगजेब को बहुत परेशान किया। इसकी एक कहानी है, कहानी मैं आपको सुनाता हूं। 1681 में प्रिंस अकबर ने एक प्लान बनाया राजपूत प्रिंसेस के साथ मिलकर। राजपूत प्रिंसेस एक्चुअली में औरंगजेब से हो चुके थे बहुत परेशान। तो राजपूत प्रिंसेस ने प्रिंस अकबर से कहा कि देखिए, जो आपके पिताजी कर रहे हैं सही नहीं है। आपके जो ग्रेट ग्रैंडफादर्स थे, अकबर थे, जहांगीर थे, शाहजहां थे, इन लोगों ने हमसे हमेशा बना के रखी, और आपके फादर हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करते हैं। तो हम आपके फादर का रूल नहीं चाहते, हम आपको गद्दी बैठाएंगे, आप अपने फादर के खिलाफ बगावत कर दो। तो प्रिंस अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ कर दी बगावत। तो हुआ यह कि प्रिंस अकबर की जो टुकड़ी थी, सेना थी, उसके साथ राजपूतों की बहुत सारी टुकड़ी मिली और उन्होंने किया औरंगजेब पे अटैक। जब औरंगजेब को पता चला कि कुछ इस तरीके का होने वाला है, औरंगजेब बहुत चालाक और बहुत ही चालू इंसान था, तो प्रिंस अकबर का एक जनरल था जिसका नाम था तवाहुर, ठीक है, तवाहुर या तहावुर कुछ करके था। तो इस जनरल को औरंगजेब ने चिट्ठी लिखी और औरंगजेब ने इस जनरल से बोला कि तुम मेरे पास आओ और मुझे आके रिपोर्ट करो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अगर तुमने मुझे आके रिपोर्ट नहीं किया तो बाद में मैं तुम्हारी फैमिली को मरवा दूंगा, और पता नहीं क्या क्या चीजें इस तवाहुर खान से बोली। तो तवाहुर खान इतना डर गया कि वो दौड़ते हुए औरंगजेब के पास गया। जब वो औरंगजेब के टेंट के बाहर पहुंचा तो औरंगजेब के गार्ड से उसकी कुछ बहस हुई और उसमें तवाहुर खान मारा गया। औरंगजेब ने एक और चाल चली, औरंगजेब ने एक लेटर लिखा किसको, अपने बेटे अकबर के नाम पे, और उसने औरंगजेब ने उस लेटर में लिखा कि वाह बेटा अकबर, हमारी चाल सक्सेसफुल हो गई है, इन राजपूत रूलर्स को हम साथ में लेके आ पा रहे हैं और एक जगह इन राजपूत रूलर्स को हम जमा करेंगे और इनको मार देंगे। औरंगजेब ने जबरदस्ती ये लेटर अकबर के नाम लिखवाया था ताकि इस लेटर को वो राजपूत रूलर्स पढ़ें। जैसे ही ये लेटर उस राजपूत रूलर्स के हाथ में पड़ा, उन राजपूत रूलर्स ने इस लेटर को पढ़ा तो उनको लगा कि औरंगजेब उनको उल्लू बना रहा है। इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए जब ये राजपूत रूलर्स अकबर खान के पास गए, ठीक है ना, ये जो अकबर था इनका बेटा था प्रिंस अकबर, तो अकबर के पास जब ये पहुंचे तो वहां पे देखेंगे कि तहावुर खान गायब है। जब देखेंगे कि तहावुर खान गायब है, उस समय पे इन राजपूत रूलर्स को डाउट हो जाएगा, इनको लगेगा कि सही में भाई ऐसी कोई चाल बनाई गई है, इसलिए ये सारे राजपूत रूलर्स धीरे धीरे करके अकबर को छोड़ के चले जाएंगे। अकबर एक दिन देखेगा कि भाई सारे राजपूत जो उसके सपोर्टर्स थे वो भाग चुके हैं और उसकी जो 12,000 की आर्मी थी वो धीरे धीरे करके औरंगजेब की तरफ
शिफ्ट हो रही, तो यहाँ पे अकबर भी भाग जाएगा और उसका रिबेलियन खत्म हो जाएगा। आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे किस तरीके से औरंगजेब ने अपने दिमाग से, अपने क्राफ्टीनेस से इतनी बड़ी प्रॉब्लम को होने से बचा लिया। ये एक कहानी है दोस्तों। फिर जब अकबर के रेबेलियन को दबा दिया औरंगजेब ने, तो भाई उसने फिर डेक्कल सल्तनत में अपनी आर्मी भेजी, उसने बीजापुर को एनेक्स किया 1685 में, गोलकोंडा को एनेक्स किया 1687 में, फिर फ्रॉम 1698 औरंगजेब पर्सनली मैनेज कैंपेन्स इन द डेक्कन अगेंस्ट द मराठास हु स्टार्टेड गोरिल्ला वॉरफेयर। तो मराठास भाई गोरिल्ला वॉरफेयर से बहुत तगड़े थे, पहाड़ों में और जंगलों में छुप जाया करते थे और एकदम से निकल निकल के मार के फिर से छुप जाया करते थे। तो भाई ये जो डेक्कन कैंपेन था ना औरंगजेब का, औरंगजेब वॉज टू मच पैशनेट अबाउट डेक्कन, तो डेक्कन पे इतना ध्यान दे रहा था कि जो उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड थे वहां पे उसने ध्यान नहीं दिया। इससे पहले के जो रूलर्स थे उन्होंने डेक्कन में इतना ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं किया, बट औरंगजेब ने डेक्कन में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस किया। उसके चलते जो उसकी ट्रेजरी थी ना वो पूरी की पूरी खाली हो गई, क्योंकि वॉर लड़ने के लिए आपको पैसे चाहिए होते। फिर भाई नॉर्थ इंडिया में भी बहुत लोगों का आप कह सकते हैं रेबेलियन हुआ, तो सिख ने रेबेलियन किया, जाटों ने रेबेलियन किया, सतनामीज ने रेबेलियन किया, नॉर्थ ईस्ट में अहोम ने रेबेलियन किया और मराठा तो रेबेलियस थे ही डेक्कन में भाई, ये सब इनके राज को मान नहीं रहे थे। ओके, और जब औरंगजेब की मृत्यु होगी 1707 में, तो फिर इसके बेटों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, कौन राज करेगा, कौन राज करेगा इस बात के ऊपर। ठीक है, यहां पे मिलिट्री कैंपेन्स दिखा रखे हैं अकबर औरंगजेब के। आप देख सकते हैं जितना भी शेडेड इलाका है, ये शेडेड इलाका एक टाइम पे मुगलिया सल्तनत का इस पे राज हुआ करता था। आप समझ लीजिए कितना बड़ा इलाका है ये, नॉर्दर्न इंडिया पूरा ही नजर आ रहा है वहां पे, और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा और थोड़ा बहुत अफगानिस्तान का हिस्सा भी इस राज में नजर आ रहा है। अब यहां पे देखोगे दोस्तों जो सक्सेशन के ट्रेडिशंस थे मुगल्स के दौरान, उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी। देखिए मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रीमोजेनिचर। प्रीमोजेनिचर का रूल क्या बोलता था कि भाई बाप का सबसे बड़ा बेटा राजा बनेगा, नहीं। जो तिमुरिड कस्टम था, ये लोग तिमुरिड कस्टम को मानते, तो तिमुरिड कस्टम किस चीज पे डिपेंड करता था, कोपरसिनरी इनहेरिटेंस पे। कोपरसिनरी इनहेरिटेंस क्या बोलता था कि भैया बाप के जितने बेटे होंगे उन बेटे के बीच में बराबर बराबर वेल्थ बटेगी। अब इस बराबर बराबर वेल्थ बनने के चक्कर में आप देख रहे हो कि सबके बेटों के बीच में रिबेलियन हो रहा है। अकबर के बेटे जहांगीर ने अकबर के अगेंस्ट रिबेलियन कर दिया, जहांगीर के बेटे ने फिर रिबेलियन किया, शाहजहां के बच्चों ने फिर रिबेलियन किया, तो तीनों लड़ गए, दारा शिकोह को मार दिया औरंगजेब ने। तो बराबर बराबर बांटने वाला ये जो कंसेप्ट था वो चल नहीं पाया, क्योंकि शहंशाह केवल एक बन सकता है। तो आपके हिसाब से यहाँ पे फेयरर डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस क्या था, ऑब्वियसली प्रीमोजेनिचर था, क्योंकि प्रीमोजेनिचर में एक क्लियर रूलर होगा, सबको शुरू से पता होगा कि एक ही राजा है। ठीक है, बट ऐसा कुछ था नहीं, सबके अपने अपने आप कह सकते हैं कि सबका अपना अपना पैशन था, सबकी अपनी अपनी चाह थी शहंशाह बनने की, और एंड में जो ज्यादा एफिशिएंट होता था, जो चीजों को मैनेज कर लेता था, वो शहंशाह बन जाता था, जैसे कि आप दारा शिकोह औरंगजेब के केस में देखेंगे। फिर एक और आप कह सकते हैं कि कस्टम चला था मुगल मैरिजेस विद द राजपूत्स का। जो जहांगीर की माँ थी अकबर की बीवी, वो एक कच्चा वहा प्रिंसेस थी, कच्चा वहा डायनेस्टी की प्रिंसेस थी, ये राजपूत रूलर थे कच्चा वहा अंबेर के, मॉडर्न डे जयपुर को उस समय पे अंबेर कहा जाता था। ठीक है, उसी तरीके से देखोगे शाहजहां की जो माँ थी वो एक राठौड़ प्रिंसेस थी, वो भी राजपूत लेडी थी एक। तो मुगल्स के हिंदू रूलर्स के साथ मैरिटल रिलेशंस भी थे। आगे देखेंगे मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स, टेबल नंबर वन को फिर से देखिए, आगे देखेंगे आप। देखिए मुगल रूलर्स हमेशा से डायरेक्टली उन रूलर्स के अगेंस्ट अटैक कर रहे थे, कैंपेन कर रहे थे जो उनकी अथॉरिटी को नहीं मान रहे थे। बहुत सारे रूलर्स ऐसे थे जिन्होंने वॉलंटियरली सबमिट कर दिया मुगल्स के सामने, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम वॉलंटियरली मुगल्स को सबमिट कर देंगे तो मुगल्स हमको रूल करने का एक मौका दे देंगे, और ऑब्वियसली बात है इन सबको पता था कि मुगल्स इतने ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं कि इनसे लड़के जीता नहीं जा सकता। राजपूत से एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे इसके, वो तो अपनी बेटी भी ब्याह देते थे वहां पे, क्योंकि उनको चाहिए थी हाई हाई पोजिशंस। ये हाई पोजिशंस क्या होता था, बड़ा मनसबदार होना, अभी मनसबदार का कंसेप्ट भी देखेंगे। लेकिन कुछ रूलर्स ऐसे भी थे जिन्होंने माना नहीं, तो भाई रणथंबोर के रूलर ने भाई बकायदे जंग लड़ी, और जंग लड़ हारने के बाद ही उसने सबमिट किया किसके सामने, अकबर के सामने। फिर मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत थे, इन्होंने भी मुगल अथॉरिटी को लंबे समय के लिए नहीं माना। जब ये हार गए मुगल अथॉरिटी से, तब मुगल्स ने उसके बाद भी इनको ऑनरेबली ट्रीट किया,
ऑनरेबली ट्रीट करने के बाद इनको लैंड्स इनको एज वतन वापस कर दिया, वतन जागीर बोला गया उसके बीच में। यानी कि यहाँ पे मुगल एम्परर्स की एक खास बात थी, मुगल एम्परर्स अपोनेंट्स को हरा रहे थे और अपोनेंट्स को हराने के बाद उनको ह्यूमिलिएट नहीं कर रहे थे, इनफैक्ट उनसे कह रहे थे कि आप हमारे लैंडलॉर्ड टाइप के बन जाओ, हमारे वतन जागीर बन जाओ और अपने लैंड्स पे आप ही रूल करो ऑन अवर बिहाफ, क्योंकि शहंशाह तो एक ही होगा जो कि मुगल एम्परर है। तो हारने के बाद अगर ऐसा ऑफर किसी भी रूलर को दिया जाएगा, राजपूत रूलर को या किसी भी रूलर को, तो ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये होता था उस समय पे। लेकिन इस ट्रेंड को तोड़ने वाला एक पर्सन था जो कि था औरंगजेब। औरंगजेब ने इस ट्रेंड को तोड़ा। औरंगजेब को ये मौका मिला था कि वो शिवाजी के साथ एक पैक्ट कर ले, लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा में बुला के उनकी बेइज्जती करी। इसके चलते शिवाजी औरंगजेब को चकमा देख के आगरा से भाग गए। उसके बाद शिवाजी ने औरंगजेब को बहुत परेशान किया। 1680 में जाकर शिवाजी की मृत्यु होगी, लेकिन औरंगजेब को रुला मारा उन्होंने, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट की। आगे देखते हैं, मनसबदार्स और जागीरदार्स की बात करते हैं। जैसे जैसे एम्पायर बड़ा हो रहा था मुगलों का, वैसे वैसे बड़े बड़े एरियाज उनकी जगह पे आ रहे थे। जैसे जैसे बड़े बड़े एरियाज उनके कंट्रोल में आ रहे थे, अलग अलग रेस के लोगों को, अलग अलग कह सकते हैं कि डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल आ रहे थे इनकी नोबिलिटी में। तो भाई शुरू शुरू में जब ये मुगलिया सल्तनत शुरू हुई थी तो टर्किश नोबल्स थे, उसके बाद भाई कुछ ईरान के भी ऑफिसर्स आए इनके एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडियन ऑफिसर्स तो थे ही, मुस्लिम्स थे, अफगान्स आए, राजपूत तो थे ही, मराठा भी आए, बहुत सारे ग्रुप्स इनकी सर्विस में आ गए। और जो लोग भी मुगल की सर्विस में आते थे उनको एक उपाधि दी जाती थी, उपाधि थी मनसबदार। मनसबदार क्या होता है? मनसबदार एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसको एक मनसब दी गई है, एक डेजिग्नेशन दिया गया है, एक पोजीशन दी गई है, एक रैंक दी गई है, एक औकात दी गई है। अब उस रैंक में भी बहुत सारी हायरार्की थी, होता है ना गवर्नमेंट में, नीचे इंस्पेक्टर है, ऊपर कमिश्नर है, तो इस तरीके की उस समय पे बहुत हायरार्कीज हुआ करती थी, रैंक थी, उस रैंक के हिसाब से उनकी सैलरी यानी इनको कितना पैसा मिलेगा ये फिक्स था, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स थी। और उनकी रैंक और उनका पैसा डिपेंड करता था एक चीज पे, और इस चीज को आप बोलते थे जाट। जितना बड़ा जाट होगा उतना ही इंपॉर्टेंट वो नॉबल, वो इंडिविजुअल होगा मुगल कोर्ट में, और उतने ही ज्यादा उसको मिलेंगे पैसे। तो भाई अगर किसी के पास जाट रैंकिंग है 5000 की और किसी के पास जाट रैंकिंग है 1000 की, तो 1000 जाट रैंकिंग वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होगा? 5000 जाट रैंकिंग वाला। अकबर के समय पे 29 लोग ऐसे थे जिनके पास 5000 जाट था, इसको 5000 मनसबदार भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, आप देखोगे कि अकबर के समय 5000 जाट वाले 29 मनसबदार थे, औरंगजेब के समय 5000 जाट वाले 79 मनसबदार हो गए। अब जितने ज्यादा मनसबदारों को आप रखोगे उतना ही ज्यादा आपका खर्चा होगा, तो ऑब्वियसली बात है जब मनसबदार बढ़ेंगे तो खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि उन मनसबदार को भी जितने सोल्जर्स उनके अंदर हैं, जितने घोड़े उनके अंदर हैं, वहां पे उनको उनको सैलरीज देनी पड़ेगी, खिलाना पिलाना पड़ेगा, इस सब चीजों में खर्चा होता है। फिर इस मनसबदार की मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता था कि इस मनसबदार को कम से कम एक मिनिमम अमाउंट ऑफ सरवार यानी घुड़सवार, एक कैवलरी मैन रखने पड़ते थे। ये मनसबदार समय समय पे अपने कैवलरी मैन को उनके घोड़ों के साथ लेके आता था और उन घोड़ों के साथ दाग नाम की प्रक्रिया होती थी। दाग नाम की प्रक्रिया में क्या होता था कि उन घोड़ों की ब्रांडिंग की जाती थी, उस पे एक रॉयल सील लगाई जाती थी इस बात को इंश्योर करने के लिए कि भाई घोड़ों का डुप्लीकेशन ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को 5000 की मनसबदारी मिली, 5000 का जाट मिला, अब मान लीजिए उसको 5000 घोड़े मेंटेन करने हैं, उससे बोला जाएगा कि अपने घोड़े लाके दिखाओ, तो कहो वो 2500 घोड़े लाए और हर घोड़ा को दो बार गिनवा दे। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए घोड़ों की ब्रांडिंग की गई, दाग किया गया। तो एक घोड़े पे जब आप रॉयल सील लगा दोगे, उसकी ब्रांडिंग कर दोगे, तो उस घोड़े को दो बार नहीं गिना जा सकता, ये चीज होती थी। तो इस ब्रांडिंग के थ्रू इस बात को इंश्योर किया जाता था कि ये जो मनसबदार थे ये किसी तरीके की गलत चीज ना करें। जितना इनको मेंटेन करने को बोला गया है फोर्स, जितना इनको मेंटेन करने के लिए बोला गया है घोड़े, वो उतने मेंटेन करें। उसके साथ साथ जो इनके कैवलरी मैन थे, जो सोल्जर्स थे, उनके विजुअल अपीयरेंसेस के भी रिकॉर्ड बनाए गए थे ताकि लोगों को भी ये डुप्लीकेट ना करें, और उन जाट के नंबर्स के हिसाब से इनको तनख्वाह दी जाती थी। ऑब्वियसली बात है जिसके पास 5000 जाट होगा, 5000 की मनसबदारी होगी, उसकी जो सैलरी होगी वो 1000 जाट वाली
मनसबदार से बहुत ज्यादा होगी। अब इन मनसबदार को सैलरी दी किस हिसाब से जाती थी, तो इनको दिए जाते थे जागीर। ये जागीर भी इक्ते की तरह होते थे, इक्तादार बताया था ना मैंने आपको, खिलजी के समय पर और दिल्ली सुल्तान के समय पर, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे इक्ता चलते थे। तो ये इक्ता के जो ओनर्स होते थे उनको बोलते थे इक्तादार, उनको मुक्ति भी कहा जाता था। ये मनसबदार भी कुछ कुछ मुक्ति जैसे थे, बस मुक्ति और मनसबदार में एक फर्क था। मुक्ति को जिस जगह का चार्ज दिया जाता था मुक्ति वहीं रहता था, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि मनसबदार को जिस जगह का मनसबदार दिया गया हो वो वहीं रहे। भाई मनसबदार को जहां पे मुगल एम्परर डिप्लॉय करेगा, जहां काम करने को बोलेगा मनसबदार, वहीं जाके काम करेगा। उसके बिहाफ पे जो उसके नौकर होंगे और क्राउन के कुछ यानी कि सेंट्रल मुगल अथॉरिटी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो उस जागीर से जाके पैसा कलेक्ट करेंगे। वो पर्सन डायरेक्ट मनसबदार जहां पे अपॉइंटेड है, जरूरी नहीं कि वो वहीं पे रहकर वो सारा कलेक्शन का काम देखे। तो हो सकता है कि मनसबदार को जागीर किसी और जगह पे दी गई हो और उसको जो एरिया ऑफ सर्विस हो वो कहीं और हो। फिर इन अकबर सेन दीज जागीर्स वर केयरफुली असेस्ड सो दैट देयर रेवेन्यूज वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार। अकबर ने क्या किया था दोस्तों, कि अकबर के अंदर में जितना भी लैंड था उस लैंड का सर्वे अकबर ने बहुत अच्छे से करवाया था। बहुत अलग अलग ऑफिशियल्स को डिप्यूट किया गया था, उन ऑफिशियल्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी, और उन ऑफिशियल्स का काम था कि भाई अलग अलग जगह पे जाओ और जगह का मुआयना करो, जमीन का मुआयना करो कि देखो वहां से कितनी पैदावार हो रही है। और जमीनों को कुछ इस तरीके से अलॉट किया गया था मनसबदार को कि उस जमीन के रेवेन्यू से, उस जमीन के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से केवल उतना ही रेवेन्यू आए जितना कि उस 5,000 मनसब वाले की तनख्वाह होगी। कुछ इस हिसाब से अलॉटमेंट होता था दोस्तों। लेकिन जब तक औरंगजेब का रेन आया उस समय तक ये चीजें नहीं होती थी दोस्तों। उस समय जब मनसब दिया जाता था ना, उस मनसब से उतनी कमाई नहीं निकलती थी जितने की उन मनसबदारों की सैलरी होनी चाहिए। इसलिए उस समय तक आते आते आप देखोगे कि ये जो मनसबदार है ना, वो अपने अंदर में जो पीजेंट्स हैं, जो किसान हैं, उनको बहुत परेशान करने लगेंगे। ये भी बात है। फिर औरंगजेब के समय पे एक और हुआ, भाई टोटल मनसबदार जितने हुआ करते थे वो बढ़ गए बहुत ज्यादा। अब मनसबदार बढ़ गए बहुत ज्यादा और जागीर देने के लिए उतनी थी नहीं, एक समय पे जितनी मनसबदार थे उतनी जागीरें थी नहीं। तो भाई बहुत लिमिटेड समय के लिए मनसबदारों को जागीर मिला करती थी, जितने भी लिमिटेड समय के लिए मनसबदारों को जागीर मिला करती थी उस समय में ये मनसबदार भाई दम से परेशान करते थे पीजेंट्स को, फार्मर्स को, जिनसे ज्यादा से ज्यादा पैसा निकाला जा सके। इस चक्कर में परेशान कौन होता था, इस चक्कर में वो पीजेंट्स और वो फार्मर्स परेशान होते थे जिनको रेवेन्यू पे करना पड़ता था। पर एंड में देखोगे दोस्तों कि जब इन जागीर से ज्यादा पैसा निकलवाने की कोशिश की गई करी जाएगी, टैक्स निकलवाने की कोशिश करी जाएगी, तो कुछ जगहों पे ये पीजेंट्री भी रिवॉल्ट करेगी, कहेगी भैया हमको माफ करो, हमसे ना हो पाएगा। यहाँ पे फिगर 6 में एक मिनियाचर पेंटिंग दिख रही है आपको, शाहजहां के रेन के टाइम की पेंटिंग है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि भाई एक गवर्नमेंट ऑफिशियल पैसे ले रहा है यहाँ पे और एक टैक्स कलेक्टर किसान को किस तरीके से मार रहा है। तो भाई इस तरीके की चीजें उस समय भी होती थी, करप्शन केवल आज का फिनोमिना नहीं है, उस समय पे भी ये करप्शन का फिनोमिना एग्जिस्टेंट था। उसके फॉर्म्स अलग थे, उसका जो मैग्नीट्यूड था वो अलग था। अब जब्त और जमींदार की बात करते हैं। मुगल सल्तनत के रूलर जो थे उनका जो मेन सोर्स, पैसे का जो मेन सोर्स था कि भाई एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस पे हम टैक्स लगाएंगे, जितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा उसमें से हम कुछ हिस्सा ले लेंगे। ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कलेक्ट कैसे किया जाता, यानी जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा उसमें से जितना भी टैक्स लेना, वो टैक्स कलेक्ट कैसे किया जाएगा? तो कई जगह पे रूरल एलीट कलेक्ट करेंगे, यानी कि भाई एक गांव में दो तीन गांव के लोग जितना भी पैदावार कर रहे हैं उनके हिस्से का जो टैक्स होगा वो उस गांव के हेड को दे जाएंगे और वो गांव का हेड मुगल अथॉरिटी के लोगों के पास उस टैक्स को जमा कर देगा। दूसरा तरीका क्या है कि कुछ इलाकों में हेडमैन और लोकल चीफटेंस बहुत इफेक्टिव थे, इनके लिए मुगलों ने एक नाम दिया था, नाम था जमींदार। ये जमींदार नाम आपका अंग्रेजों के समय तक रहेगा, आज भी बहुत जगहों पे जमींदार होते हैं। ये कुछ ऐसे इंटरमीडियरीज थे जो कि भाई पीजेंट्स के बीच में काम करते थे, पीजेंट्स और मुगल सल्तनत के बीच में काम होते थे। कभी कभी ये अपने लोकल एरिया ऑफ ऑपरेशन में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते थे। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन की बात होगी, अकबर का एक रेवेन्यू मिनिस्टर था जिसका नाम था टोडरमल। भाई टोडरमल ने क्रॉप ईल्ड का बहुत केयरफुल सर्वे किया, प्राइसेस का केयरफुल सर्वे किया, उसने क्रॉप के जो लैंड था जहां पे क्रॉप को उगाया जाता था उस लैंड का सर्वे कराया, उस लैंड पे कितनी पैदावार होती है उसका सर्वे कराया,
तो भाई जो फर्टाइल लैंड है उनको एक अलग कैटेगरी में रखा, जो इनफर्टाइल लैंड है उसको एक अलग कैटेगरी में रखा, जिन लैंड्स पे कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा उनको एक अलग कैटेगरी में रखा, उसके हिसाब से पैदावार के डाटा को फिक्स किया और उसके हिसाब से टैक्स को फिक्स किया गया। एक सिस्टम निकाला था दहसला सिस्टम। भाई दहसला सिस्टम क्या होता है दोस्तों, आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देखिए, आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि व्हाट इज दिस दहसला सिस्टम। ठीक है, तो मुगल रूल के दौरान जो प्रोविंसेस थी मुगल्स की, वो अलग अलग रेवेन्यू सर्कल्स में बंटी थी और उन अलग अलग रेवेन्यू सर्कल्स में जो रेवेन्यू रेट्स थे, जो टैक्स कलेक्शन के रेट्स थे, वो भी अलग अलग थे। इस रेवेन्यू सिस्टम को बोला जाता था जब्त। अच्छा, ये रेवेन्यू के रेट्स केवल उन प्रोविंसेस में, केवल उन जमीनों में फिक्स किए गए थे जहां पे जमीन का प्रॉपर सर्वे कराया गया हो, और इस तरीके के जो सर्वे थे वो गुजरात बंगाल में एक्चुअली नहीं हो पाए थे, इसलिए वहां पे ये सिस्टम एक्टिव नहीं था। फिर बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहां जमींदार बहुत ताकतवर हुआ करते थे, तो कभी कभी जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे जो कि ग्राउंड लेवल पे काम करते थे, उनकी जमींदारों के साथ झड़प हो जाती थी, तो कभी कभी जमींदार बोल देते थे भैया हम मुगल सल्तनत को नहीं मान रहे। कभी कभी कास्ट के बेसिस पे ये जमींदार और पीजेंट्स एक दूसरे के साथ मिल जाया करते थे और मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर देते थे, और उसके बाद देखेंगे कि कई बार मुगल अथॉरिटी ने इनको क्रश भी कर दिया। लेकिन जैसे जैसे आप मुगल अंपायर के एंड की तरफ पहुंचेंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि जो सेंट्रलाइज्ड मुगल रूल है वो कमजोर होता जाएगा, और जैसे जैसे सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर होती जाएगी वैसे वैसे रीजनल अथॉरिटीज ताकतवर होती जाएंगी, वो मुगल अथॉरिटी को मानेंगे ही नहीं। यहां पे दो किताबों की बात होगी, एक है अकबरनामा, एक है ऐन अकबरी। अकबर ने अपने एक बहुत क्लोज फ्रेंड और उसके कोर्ट में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन था अबुल फजल, अबुल फजल से कहा कि भाई मेरा जो राज है इसके समय की हिस्ट्री को लिखो। तो अबुल फजल ने 3 वॉल्यूम लिखा हिस्ट्री का, जिसका नाम दिया अकबरनामा। पहले वॉल्यूम में अकबर के सारे एंसेस्टर्स का नाम लिखा गया, दूसरे वॉल्यूम में अकबर के रेन के दौरान क्या क्या हुआ उसको लिखा गया, और तीसरे वॉल्यूम में अकबर के रेन के दौरान जो एडमिनिस्ट्रेशन था, घरों में हालत कैसी हुआ करती थी, रेवेन्यू किस हिसाब से कलेक्ट होते थे, आर्मी कैसे काम करती थी, उसकी ज्योग्राफी क्या थी, ये सब चीजें लिखी गई। आज की डेट में हम जो अकबर के राज के बारे में इतना डिटेल में पढ़ते हैं ना, वो सब एक मेजर इन्फॉर्मेशन हमको इस अकबरनामा से भी लिखी है। इनफैक्ट उस समय पे लोगों के ट्रेडिशंस, लोगों के कल्चरल, लोगों की रिलीजियस लीनिंग्स, इन सब के बारे में भी इस अकबरनामा में लिखा गया है। आप अकबर की पॉलिसी के बारे में देखते हैं, देखिए तो भाई अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट माना जाता है मुगल एम्पायर में। इसी एडमिनिस्ट्रेशन को आगे की मुगल एम्प्रेस ने भी फॉलो किया। आप देखोगे कि इस एडमिनिस्ट्रेशन टैक्टिक से जब डिविएट करेगा औरंगजेब, औरंगजेब को प्रॉब्लम आएगी। अकबर की जो एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज थी उसको बहुत इलेबोरेटली अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है, और अकबरनामा का ही आखिरी वॉल्यूम है ऐन अकबरी। ऐन अकबरी में इस एडमिनिस्ट्रेशन पे ज्यादा फोकस किया गया है। अबुल फजल ने बताया कि जो अकबर का राज बहुत सारी प्रोविंसेस में बटा हुआ था, इन प्रोविंसेस को नाम दिया गया सूबास। हर सूबा में एक सूबादार होता था जो कि मिलिट्री फंक्शंस को भी टेकअप करता था, पॉलिटिकल फंक्शंस को भी टेकअप करता था। उसी तरीके से हर प्रोविंस का एक फाइनेंशियल ऑफिसर हुआ करता था, यानी कि पॉलिटिकल मिलिट्री फंक्शंस करने वाला एक सूबादार और एक फाइनेंशियल ऑफिसर जिसको बोला गया दीवान, वो केवल पैसे की चीजों को देखेगा। अगर एक प्रोविंस में पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है तो सूबादार की मदद करने के लिए बहुत से दूसरे ऑफिसर्स होते थे, जैसे कि मिलिट्री पे मास्टर होते थे जिनको बोला जाता था बख्शी, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज होते थे जिसका नाम होता था सदर, मिलिट्री कमांडर्स थे जिसका नाम था फौजदार, और टाउन पुलिस कमांडर थे जिसका नाम था कोतवाल। ये सब अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है, ये एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। यहाँ पे जहांगीर के कोर्ट में भाई नूरजहां की बात कर लेते हैं, इसका नाम था मेहरुनिसा। इसके बारे में पहले आपको बताया था, पहले बताया था मेहरुनिसा ने भाई एम्परर जहांगीर के साथ मिलके उसके एडमिनिस्ट्रेशन में एक मेजर रोल प्ले किया है। शादी हुई थी मेहरुनिसा की जहांगीर से 1611 में, इनको टाइटल मिला नूरजहां। बहुत लॉयल थी ये मोनार्क को, और चूंकि जहांगीर इनको बहुत मानते थे इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन में इनकी काफी सारे बातें भी सुनते थे। कुछ सिल्वर कॉइन्स बनाए गए जहांगीर के रेन के दौरान, जिसपे एक तरफ जहांगीर का नाम था और दूसरे तरफ भाई क्वीन नूरजहां का नाम था। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है, ये जो डॉक्यूमेंट है इसका फरमान इशू किया हुआ है, ये एक फरमान है जिसको इशू किसने किया है, नूरजहां ने इशू किया है। यहाँ पे जो स्क्वायर सील आपको नजर आ रही है, ये वाली जो स्क्वायर सील है, इसको बोला जाता है
कमांड ऑफ हर मोस्ट सब्लाइम एंड एलिवेटेड मेजेस्टी नूर जहां पादशाह बेगम, यानी कि ये सील ये बोल रही है कि भैया ये जो कमांड है, ये कमांड किसने इशू की है, तो नूर जहां ने इशू की है। ओके, तो ये चीजें यहां पे आपको दोनों के सिग्नेचर्स दिख जाएंगे भाई, आपको यहां पे बादशाह का भी सिग्नेचर दिखेगा और नूर जहां का भी सिग्नेचर दिखेगा। दो चीजें देखते हैं, एक चीज है डॉगमा, एक चीज है बायगॉट। क्या होता है डॉगमा, क्या होता है बायगॉट? डॉगमा है स्टेटमेंट और इंटरप्रिटेशन डिक्लेयर्ड एज ऑथोरिटेटिव विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड बी फॉलोड विदाउट क्वेश्चन। यानी कि एक ऐसा इंटरप्रिटेशन, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको नॉर्मल कर माना जाता हो ऑथोरिटेटिव, यानी कि अगर वो एग्जिस्ट करता है, डॉगमा है मतलब वो ऑथोरिटेटिव है, यानी उसमें जो कुछ भी लिखा है वो बिल्कुल सही है और जितने भी लोग वहां पे हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो उसको बिना किसी सवाल जवाब के माने, तो उसको बोला जाता है डॉगमा। तो डॉगमा ऑब्वियस ही बात है किसी रीजन्ड थिंकिंग को, किसी लॉजिकल थिंकिंग को प्रमोट नहीं करेगा। वहीं पर बायगॉट क्या है? बायगॉट इज एन इंडिविजुअल हु इज इनटॉलरेंट ऑफ अनदर पर्सन्स रिलीजियस बिलीव्स और कल्चर। ये एक ऐसा इंडिविजुअल है जो किसी दूसरे पर्सन के रिलीजियस बिलीफ या कल्चर पे पूरी तरीके से नहीं मानता, कह सकते इनटॉलरेंट है। जैसे होता है ना कि मान लीजिए एक रिलीजन R1 का पर्सन दूसरे रिलीजन R2 के पर्सन से नफरत करता है और वो इतने ज्यादा नफरत करता है कि R2 के रिलीजन की किसी भी बात को नहीं मानता, उसको हर तरीके से दबाने की कोशिश करता है, तो R1 को आप बोलोगे रिलीजियस बायगॉट। क्यों? क्योंकि वो R2 की तरफ बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं दिखा रहा है, तो ये होता है बायगॉट। अब अकबर के नॉवल्स की बात की जाए तो अकबर तो भैया शहनशाह था, उसके नीचे बहुत सारे नॉवल्स थे जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करते थे। इन नॉवल्स के पास बड़ी बड़ी आर्मियां थी, बड़ा बड़ा अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इनको मैनेज करना पड़ता था। शुरू में तो इन नॉवल्स ने सही से काम किया, जब सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप स्ट्रांग थी ये नॉवल्स सही से काम कर रहे हैं, लेकिन जब 17 सेंचुरी के एंड तक हम पहुंचेंगे तब देखेंगे दोस्तों कि ये नॉवल्स भाई ताकतवर हो जाएंगे क्योंकि सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप कमजोर हो जाएगी। जब अकबर फतेहपुर सीकरी में था 1570 के दौरान, तो उसने रिलीजियस कह सकते हैं कि एक डिस्कशंस, रिलीजियस डिस्कशंस शुरू करवाए एक जगह पे जिसका नाम रखा गया इबादत खाना। तो इबादत खाना में उलामा यानी मुस्लिम धर्म गुरु, रोमन कैथोलिक यानी ईसाई धर्म गुरु और जोरोस्ट्रियन अलग अलग धर्म हिंदू के धर्म गुरु आके बैठते थे और वहां पर रिलीजियस डिस्कशन होता था, अकबर उनको लीड करता था। तो अकबर एक्चुअली में रिलीजन के बारे में इंटरेस्टेड था, अलग अलग रिलीजन की क्या राय थी वो अकबर सुनना चाहता था। जब अकबर ने इनके रिलीजन के व्यूज को सुना तो उसने उसको डॉगमा माना और इन सबको बायगॉट्स बोला। उसको समझ में आया कि जितने भी धर्म हैं ये धर्म आपस में लड़ाई करवा रहे हैं, ठीक है, सब अपना अपना चलाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी में कोई प्रॉपर चीज लिखी नहीं है। तो इबादत खाना वो जगह थी जहां पे रिलीजियस डिस्कशन करता था अकबर द सो कॉल्ड लर्न्ड इंडिविजुअल्स के साथ। ये लर्न्ड इंडिविजुअल्स अलग अलग धर्म के आप कह सकते हैं फॉलोअर्स थे। जेसुइट प्रीस्ट कहां दिख रहे हैं? तो काले कपड़ों में आपको यहां पे जेसुइट प्रीस्ट दिख रहे हैं। तो जब इस डिस्कशंस में अकबर ने पार्टिसिपेट किया तो उसको समझ में आया कि भाई ये सब डॉगमा है, सब बायगॉट है। तो अकबर ने बोला कि भाई यूनिवर्सल पीस को स्थापित करना है। यूनिवर्सल पीस को स्थापित करने के लिए अकबर ने सिद्धांत दिया सुलह कुल का। सुलह कुल को कहा जाता है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में आप डिस्क्रिमिनेशन मत करिए और जो कुछ भी राज होगा वो एथिक्स के बेसिस पे होगा, जिसमें ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस, इसके हिसाब से राज किया जाएगा। सुलह कुल की आइडियोलॉजी को डेवलप करने में अबुल फजल ने अकबर का बहुत मदद की और सुलह कुल की आइडियोलॉजी पे अकबर ने भी राज किया और आगे देखेंगे कि शाहजहां भी उस आइडियोलॉजी पे राज करेंगे। औरंगजेब ने उस आइडियोलॉजी पे राज नहीं किया। एक्चुअली में सुलह कुल को एक रिलीजन के टर्म्स में अकबर फैलाना चाहता था। अकबर चाहता था कि लोग इस रिलीजन को फॉलो करें, बट अकबर एक धर्म गुरु नहीं था तो ऑब्वियस सी बात है ये सुलह कुल ज्यादा चल नहीं पाया। जो अकबर के पास पड़ोस के लोग थे, जो उसके बिल्कुल करीबी थे, जैसे अबुल फजल हो गए, टोडरमल हो गए, इन सब ने तो इसको माना, बाकी सब लोगों ने इसको नहीं माना। अच्छा, टोडरमल की अगर बात की जाए तो टोडरमल अकबर के पूरे रेन में नहीं रहे हैं। टोडरमल की मृत्यु हो गई थी 1589 में, तो फॉर होल टाइम टोडरमल नहीं रहे थे अकबर के साथ। फिर अकबर ने बहुत सारे संस्कृत वर्क्स का पर्शियन में ट्रांसलेशन कराया।
उसके लिए उसने एक मकताब खाना खोला जिसको आप ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट या ट्रांसलेशन ब्यूरो भी बोल सकते हैं। इसको स्टैब्लिश किया गया फतेहपुर सीकरी में। तो भाई महाभारत, एपिक, रामायण, लीलावती, योग वशिष्ठ, इन सबको संस्कृत में ट्रांसलेट किया गया। तो महाभारत का जो पर्शियन ट्रांसलेशन था, सॉरी फ्रेंड्स, ये सब संस्कृत में थी, इनको पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। तो महाभारत, रामायण, लीलावती, योग वशिष्ठ, ये सब संस्कृत में थी, इनको ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में। महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन फेमस हुआ किस नाम से? रज्मनामा। तो आपसे पूछा जाएगा भाई रज्मनामा कौन सी इंडियन एपिक किताब का पर्शियन ट्रांसलेशन है, तो आंसर होगा महाभारत। आगे सुलहिकल की आइडियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। जहांगीर ने अपने पिताजी अकबर के सुलहिकल की आइडियोलॉजी को कुछ इस तरीके से बताया है। एज इन द वाइड एक्सपेंस ऑफ द डिवाइन कंपैशन देयर इज अ रूम फॉर ऑल क्लासेस and the followers of all creeds. In his imperial dominions, which all sides were limited only by the sea, there was a room for the profession of opposite religions, belief, good, faith, tolerance. कहने का मतलब दोस्तों ये है, सुलहिकल की आइडियोलॉजी क्या बोलती है कि भाई डिवाइन कंपैशन है, हर क्लास के लोगों को आजादी से रहने की वो है, हर क्रीड के लोग एक साथ रहेंगे, हर क्लास के लोग एक साथ रहेंगे, इक्वल बन के रहेंगे, हर तरीके के रिलीजन्स को यहाँ पे जगह मिलेगी, जितने भी बिलीव्स होंगे उनकी तरफ टॉलरेंस दिखाई जाएगी, जितने भी धर्म होंगे, जो भी लोगों के मान्यताएं होंगी, जितना हद तक हो सकेगा उनको टॉलरेंस दिखाई जाएगी। सुन्नी सिया आपस में मिलके एक मॉस्क में पूजा करेंगे, क्रिश्चियंस ज्यूज आपस में एक दूसरे के साथ मिलके चर्च में पूजा करेंगे। दोस्तों एक्चुअली क्रिश्चियंस और ज्यूज को साथ में दिखाने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि क्राइस्ट को इनकार्सरेट करने वाले ज्यूज ही थे। तो ये सुलहिकल की आइडियोलॉजी है जिसको आप यूनिवर्सल पीस कहते हैं। अब हम बात करेंगे द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी। देखिए मुगल्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी थी, उनकी मिलिट्री एफिशिएंसी थी, उसके चलते भाई जबरदस्त इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई, कॉमर्शियल प्रॉस्पेरिटी हुई। जब इंटरनेशनल ट्रेवलर्स मुगल्स के दौरान पे यहां पे आते थे, उन्होंने लिखा भैया फेबल्ड लैंड ऑफ वेल्थ, बहुत वेल्थ थी। लेकिन उस समय पे इन लोगों ने यह भी लिखा कि इस वेल्थ के साथ साथ गरीबी भी बहुत थी। तो एक तरफ एकदम एक्सट्रीम अमीरी नजर आ रही थी और एक तरफ एकदम एक्सट्रीम गरीबी नजर आ रही थी। दोस्तों फिर देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि शाहजहां के रेन के दौरान कहा जाता है कि 8000 मनसबदार थे। उस 8000 में जो टॉप मोस्ट मनसबदार थे वो थे 445। ये कहा जाता है कि जो 445 मनसबदार थे ना, ये लगभग 61.5% ऑफ द टोटल रेवेन्यू को कंट्रोल करते थे और बचे हुए लोग बाकी बचे हुए रेवेन्यू में काम चलाते थे। तो आप देख सकते हैं कि कितना एक्सट्रीम यहाँ पे आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, इनइक्वालिटी नजर आ रही है। तो मुगलों के टाइम पे इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा आपकी एग्जिस्ट करती थी और ये जो रेवेन्यू मिलता था इन मनसबदारों को, इस मनसबदारों से ये अपने आप का पैसा, अपना खर्चा और अपने जो सैनिक थे उनका खर्चा, घोड़ों वगैरह का खर्चा, ये सब चीजें ये निकालते थे। तो जो मुगल एम्परर्स थे, जो इनके मनसबदार थे, वो अपनी ज्यादातर जो कमाई थी वो सैलरीज पे और जो सामान ये खरीदते थे उस पर खत्म करते थे। अब यहां पे आर्टिस्ट के लिए और पीजेंट्स के लिए क्या था? तो देखिए ये जो मनसबदार है ये सैलरी देंगे अपने सोल्जर्स को, वो सोल्जर्स फिर अनाज खरीदेगा, वो अनाज पीजेंट्री से खरीदेगा, आर्टिसेंस की भी कुछ इस तरीके से कमाई होती थी। बट प्रॉब्लम ये थी कि इन आर्टिसेंस और पीजेंट्स पे लगाया जाता था भाई जोरों से टैक्स। वो टैक्स इतना ज्यादा होता था कि इन आर्टिसेंस की, इन पीजेंट्स की कमर टूट जाया करती थी। इसलिए भाई ये जो पीजेंट्स थे और आर्टिसेंस थे, इनमें जो गरीब पीजेंट्स थे इनकी हालत बहुत खराब थी, हैंड टू माउथ की इनकी एग्जिस्टेंस थी, इनके पास पैसे थे नहीं और ये सिर्फ अपना खर्चा चला पा रहे थे। इसलिए एडिशनल रिसोर्सेज में, यानी और क्रॉप्स को उगाना और अच्छे आर्ट वर्क्स को प्रोड्यूस करने के लिए इनके पास पैसा था नहीं, इनके पास किसी भी तरीके का कोई एडिशनल रिसोर्स था नहीं। वहीं पे इनइक्वालिटी इतनी थी कि कुछ ऐसे फार्मर्स थे या कुछ ऐसे अमीर आर्टिजनल ग्रुप्स थे जिनके पास बहुत पैसा था, तो वो लोग जिनका डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि सेंट्रल अथॉरिटी से कनेक्शन होगा वो थोड़ा ज्यादा अमीर होंगे और जो बिल्कुल ही पुअर वाला लॉट है, गरीब लॉट है, उसके पास कुछ भी नहीं था। तो इनइक्वालिटी का जो एग्जिस्टेंस था वो बहुत था इस समय पे। फिर भैया मुगल एलीट के पास, मुगल नॉबल्स के पास बहुत पैसे थे, बहुत रिसोर्सेस थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा आप देखेंगे मुगल अथॉरिटी डिक्लाइन होगी। खासकर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी उसके बाद तो मुगल अथॉरिटी तगड़े से डिक्लाइन होगी। और जब मुगल अथॉरिटी डिक्लाइन होगी तो इनके जो सर्वेंट्स थे, इनके जो सूबादार थे, जो अलग अलग जगह पे राज कर रहे थे, वो एकदम से स्ट्रांग हो जाएंगे। तो बहुत अलग अलग प्रोविंसेस बनेंगी,
हैदराबाद में निजाम पावर में आ जाएंगे, अवध में भी भैया नवाब पावर में आ जाएंगे, पर ये बोलेंगे भाई कि हम अपने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिपेंडेंट हैं, ये अलग बात है कि हम रेगुलर ट्रिब्यूट्स भेजेंगे मुगल एम्परर पे। तो मुगल एम्परर के पास रेगुलर ट्रिब्यूट्स तो जा रही थी, पर वो अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट थे। तो कुछ समय तक तो उन्होंने मुगल एम्परर को सेंट्रल अथॉरिटी माना, फिर कुछ लोगों ने धीरे धीरे वो भी मारना बंद कर दिया। इन सब के बारे में हम लोग चैप्टर 10 में देखेंगे दोस्तों। यहां पे किंग्स और क्वींस की बात करते हैं। देखिए, जब इंडिया में ये राजे रजवाड़े राज कर रहे थे तो उस समय दुनिया में और जगहों पे भी भाई मोनार्च हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, शहंशाह हुआ करते थे। ऐसे एक रूलर थे ओटोमन टर्की में जिनका नाम था सुल्तान सुलेमान। 1520 से लेकर 1566 तक इनका राज था। इनके समय पे ओटोमन स्टेट बहुत फ्लोरिश कर रहा था, तो यूरोप में फैल गया। ये वही ओटोमन स्टेट है जो रोमन अंपायर को हरा के अपनी बादशाहत स्थापित करेगा। तो ओटोमन स्टेट में आपका यूरोप का बहुत सारा पार्ट था, फिर हंगरी, ऑस्ट्रिया भी आ गया था, बगदाद, इराक तक इनकी आर्मी पहुंच गई थी, नॉर्थ अफ्रीका में इनका कंट्रोल था, मोरक्को में इनकी अथॉरिटी थी। तो बहुत बड़े एरिया में ओटोमन एम्पायर की अथॉरिटी थी। और सुलेमान जो कि राजा थे, उन्होंने ओटोमन नेवी को भी अच्छे से आप कह सकते हैं कि डेवलप किया था। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में इनका भाई अच्छा खासा डोमिनेशन था, स्पेन के साथ इनका कॉम्पिटिशन था, पोर्तुगीज को भी वो उस समय पे चैलेंज कर रहे थे। पोर्तुगीज के बारे में आपको तब ज्यादा पता चलेगा जब आप मेरी मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की सीरीज देखोगे, जब उसका पहला लेक्चर देखोगे कि जो सुल्तान थे भाई ओटोमन के, इनको टाइटल दिया गया था अल कानूनी, द लॉ गिवर। बहुत सारे इन्होंने रेगुलेशंस और एडमिनिस्ट्रेशन निकाले थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। बाद में जब आप देखोगे दोस्तों कि जब इनकी मृत्यु हो जाएगी और दूसरे कम इफेक्टिव राजा आएंगे 17th सेंचुरी में, तब पब्लिक ऑर्डर इस ओटोमन डोमेन में पूरी तरीके से डिक्लाइन कर जाएगा। इसलिए सुल्तान कानूनी के पीरियड को एक पीरियड ऑफ आइडल गवर्नेंस माना जाता है। यहाँ पे एक आपके सामने एक एक्सरसाइज टाइप की है कि रूल ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की जो रूलर थी क्वीन एलिजाबेथ 1558 से 1603, इनके समय पे इंग्लैंड में कैसे राज होता था ये पता करें। फिर जो ईरान के सफाविद रूलर थे उनके समय पे कैसा राज था, शाह अब्बास के समय पे कैसा राज था। रशिया का एक रूलर था पागल सा जिसका नाम था सजार इवान फोर वाइजेविलिच, इसको इवान द टेरिबल भी कहते हैं। कभी आप मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग जाओगे तो इवान द टेरिबल से रिलेटेड आपको बहुत सारे वहां पे कल्चरल एंटीक्स देखने को मिलेंगे। तो इस इवान द टेरिबल के राज में के बारे में आप खुद पता करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे मैं इस चैप्टर को खत्म कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये जितने भी कीवर्ड्स हैं मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।